हाँ बेटा आज का हम लोग का क्लास जो है वो साइकिल के ऊपर है ठीक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आ, क्रेप साइकिल को जिसके बारे में अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो ये है क्या कि रेस्पायरेशन का श्वसन का एक अहम हिस्सा है सोलर रेस्पायरेशन का क्रेप साइकिल क्लियर हम उसकी बात करें तो ये प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है बेटा जैसे साइक्लिक इसके नाम में लगा हुआ है ये साइक्लिक प्रोसेस है अप्रॉक्स दस स्टेप का बना हुआ है दस इस स्टेप्स इसमें आते हैं और स्टेप वाइज हम लोग स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट uh, बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो हमारी बॉडी है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है एनर्जी यूज़ करती है उसके प्रोडक्शन का फाइनल प्रोसेस है ये और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस करवा देता है ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट के थ्रू क्लियर हम लोग बात करने वाले हैं इसकी डिस्कवरी इसकी डिस्कवरी नाइनटीन uh, याद रखो बेटा नाइनटीन टू नाइनटीन फोर्टी के प्रॉक्स हैंस्ले क्रैब ने किया था क्रेब ने किया था और जिस काम के लिए उनको 1954 में बेटा नोबेल नोबेल प्राइज़ दिया गया ठीक है ये प्रोसेस जो है जो क्रेब साइकिल का प्रोसेस है ये कहाँ परफॉर्म होता है बेटा तो ये जो है वो माइट्रोकिया में होता है ठीक है माइटोकॉन्डिया में ये परफॉर्म होता है वो भी माइट्रोकिया के मैट्रिक्स में ठीक है हम लोग क्रेब साइकिल को कुछ और नाम से भी जानते हैं जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल ट्राइक और भोक्जलिक एसेड साइकिल ठीक है इसके बारे में लोग जानते हैं और इसके थ्रू जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो हंड्रेड परसेंट डिग्रेड हो जाता है सी ओ टू और एच टू ओ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको बेटा ठीक है ठीक है यहाँ पायरूबिक एसिड सबसे ऊपर दिया हुआ है पायरूबिक एसिड क्या है बेटा तो पायरूबिक एसिड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है बेटा पायरूबिक एसिड जो है वो ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरूबिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब ये स्टार्ट होता है किसके लिए तो माइटोकांड्रिया के साइकिल के लिए इस प्रोसेस में होता क्या है तो इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होता है ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन जिसमें एन इन्वॉल्व होता है ठीक है जो कन्वर्ट होता है एन डी में और सी ओ लिबरेट होता है सी का एक मॉलिक्यूल निकल के बाद जिससे पारुबिक का जो फॉर्मूला है सी एस थ्री सी ओ सी ओ ओ एच क्लियर ये कन्वर्ट जाता है किसमें बेटा तो ये कन्वर्ट जाता है एसडल कोम ए में इसमें एक कोंजाइम फैक्टर एडिशनल होता है बेटा ठीक है कोएंजाइम इस रिएक्शन में ऐड होता है और इस प्रोसेस में सी ओ टू एक निकल रहा है तीन कार्बन वाला पायरूबिक एसिड जो है वो दो कार्बन वाले एसेटिल कोंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा याद रखिएगा जो एसिड से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो तीन कार्बन वाला पायरुबिक एसिड है वो चेंज किस में हो रहा है वो कर दो कार्बन वाले दो कार्बन वाले एसटिल कोएंजाइम में अटैच हो रहा है और ये जो एसटिल कोंजाइम ए है वो क्रेब साइकिल में एंट्री करता है बेटा क्रेब साइकिल में प्रवेश करता है याद रखो साइकिल जो पुरानी क्रेप साइकिल है वो समाप्त होती है ऑक्जीलो एसिटेट पर आकर के ऑक्जिलो एसिटेट पर आकर के अब ऑक्जीरोस्टेट को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्जीलो एस्टेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक ऐसा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है जिसमें चार कार्बन होता चार कार्ण, कार्ण है बेटा चार कार्बन फोर कार्बन है यहाँ लिखा हुआ है फोर कार्बन और एस्टिल कोइंजाइम के पास आपको मालूम होना चाहिए कि दो कार्बन है और चार और दो कार्बन आपस में अटैच होकर के जिस मॉलिक्यूल को बनाते हैं वो छः कार्बन वाला सिट्रेट बनता है बेटा याद रखो बेटा फर्स्ट जो फर्स्ट प्रोसेस है किसका साइकिल का वो ऑक्जीरोस्टिक एसिड या ऑक्जीरोसिट्रेट आपस में जुड़ करके किसको फॉर्म कर रहा है तो सिट्रेट को आप ऐसे ही याद करो बेटा ठीक है फोर कार्बन और टू कार्बन आप ऐसे ही याद करने वाले हो छः कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनाता है इसको बनाने के लिए क्या चाहिए है इसको बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम लोग सिट्रेट सेंसिटाइज कहते हैं जिसे हम लोग सिट्रेट सिंथेसिस करते हैं और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में एच टू ओ इन्वॉल्व होता है एच टू ओ पानी का एक अणु इन्वॉल्व होता है साथ ही साथ सी ओ ए कोजाइम ए बाहर निकल जाता है और बन जाता है आपका क्या तो छः कार्बन वाला सिट्रेट ठीक है बेटा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं सिट्रेट सिट्रेट जो है इसका आइसोमराइजेशन होता है बेटा आइसोमै सिट्रेट जो है आइसोमराइज होकर के आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है सिट्रेट आइसोमराइज होकर के आइसोसिट्रेट में बदलता है बेटा लेकिन इस प्रोसेस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे हम लोग एक्निटेज कहते हैं आप ऐसे याद करने वाले हो छ कार्बन वाला सिट्रेट छ कार्बन वाले ही आइसोसिट्रेट में बदल रहा है ठीक है और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रहा है तो एकोनीटेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है एक्नेट एंजाइम कर क्या रहा है तो सिट्रेट से H2O का एक मॉलिक्यूल निकाल रहा है फिर वापस वही H2O ऐड हो रहा है ठीक है एसटीओ के निकलने से जो सिट्रेट है वो सिस एकोनेटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है या सिस एकोनीटेट में कन्वर्ट हो रहा है अब बात कर रहे हैं सिस एकोनेटेट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो फाइनली आइसो में कन्वर्ट हो जाता है जो फाइनली आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है अब हम लोग बात करें कि एकोनेटेज के प्रजेंस में जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में बदलता है बेटा और इस होल प्रोसेस को हम लोग आइसो कहते हैं

और इस प्रोसेस में आइसोसिट्रेट से निकला हुआ जो हाइड्रोजन है वो एन एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट जाता है एन डी अनदी, में ठीक है बेटा याद रखिएगा आइसोसिट्रेट का डीहाइड्रोजनेशन होता है जिससे वो ऑक्सीनरोक्सीनेट में कन्वर्ट होता है जिससे वो ऑक्जीनो सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है इस क्रिया में जो एंजॉइन इन्वॉल्व होता है उसका नाम ही सबस्ट्रेट के नाम से बना हुआ है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेट आइड्रोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेट और एन का एक मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में हमें मिल जाता है क्लियर नेक्स्ट स्टेप जो है वो कार्बोक्ट डी कार्बोक्जेशन है बेटा डी कार्बोक्जेशन अभी तक हम तो पढ़ते आ रहे हैं तो कार्बन वाला मॉलिक्यूल है सिक्स कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है चलता चला आ रहा है और इसका जब ऑक्सीज सक्सीनेट का डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो सी का एक मॉलिक्यूल बाहर आता है सी का एक मॉलिक्यूल याद रखिए बेटा क्रेप साइकिल में जो एसेटिल को एनजाइम ए एंट्री किया था उसके पास दो कार्बन मॉलिक्यूल थे कार्बन एटम थे ठीक है उसमें से यहाँ पर एक CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है एक CO2 बाहर आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजनो जो छः कार्बन को रखे हुए है अब वो जिस भी मॉलिक्यूल को बनाएगा उसके पास पांच ही कार्बन पहुंचने वाला है अब डी के प्रोसेस के लिए जो एनवाइ जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम को हम लोग डी कहते हैं और जब उसे सबस्ट्रेट के नाम के साथ जोड़ के बताते हैं तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सी ऑक्जेलोसक्सीनेट डी कार्बोक्ज ऑक्जेलोसक्सीनेट डी कार्बोक्ज ऑक्जेलोसक्सीनेट डी कार्बोक्ज के कारण ऑक्जेलोसक्सीनेट अल्फा कीटो कीटोग्लुटेरेट में परिवर्तित होता है अल्फा कीटो कीटोग्लुटेरेट में परिवर्तित होता है अल्फा कीटो कीटोग्लूटरेट क्या है तो यह पांच कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ठीक है पांच कार्बन कार्बनला मॉलिक्यूल है ठीक है दबा आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल्फ़ा कीटोगलूट्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू पास आउट होता है एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोगलूटरेट जो पाँच कार्बनला मॉलिक्यूल है ठीक है यह चार कार्बन वाले सक्सेनल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है सक्सेनिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो एंजाइम जो है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डी हाइड्रोजेनेज कॉम्प्लेक्स इसका मतलब ये हुआ डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स मतलब अकेला एंजाइम नहीं है हाइड्रोजनेशन भी करवाना है और अगर यहाँ ध्यान से दे आप देखें तो एक सी ओ टू का मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है इसका मतलब डिकार्बोक्जनेशन भी होना है मतलब यहाँ जो एंजाइम है वो दो प्रोसेस को करवा रहा है इसकी वजह से दो प्रोसेस हो रहा है नंबर वन एक डी हाइड्रोजिनेशन जो एनआर डी पी एच को बना रहा है दूसरा डी जो सी ओ टू को बाहर निकाल रहा है इसके साथ ही साथ इस इस अभिक्रिया में इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए एंट्री करता है जिसके कारण जो पांच कार्बन वाला अल्फा कीटो कीटोगूटे ग्लूटेरेट है वो चार कार्बन वाले सीटो निकलने कारण चार कार्बन वाले सक्सेनिरएंजाइम में कन्वर्ट होता है बेटा याद रखिएगा बेटा इस रिएक्शन को एंजाइम कौन सा होगा तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट डीहाइड्रोजीनिस कॉम्प्लेक्स यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बाहर आ रहा है ठीक है ऑक्सीडेशन जो हो रहा है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है अब सक्सेनिल कोंजाइम ए सक्सेनल कोंजाइम ए बेटा सक्सेनल थियोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में याद रखो बेटा सक्सेनिल थियोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है सक्सेनिक एसिड में सक्सेनिक एसिड में यहाँ पर भी यहाँ कोइंजाइम ए जो जक्सेनल कोंजाइम ए के साथ लगा हुआ सक्सेनिल कोंजाइम ए के साथ लगा हुआ है वो बाहर निकल जाता है बेटा उसका यूज अलग अलग जगह होगा और सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो है इसके प्रेजेंस में इसके प्रेजेंस में एक ए का मॉलिक्यूल बन जाता है एक ए का मॉलिक्यूल बन जाता है बेटा कैसे तो पहले वो जी से जी बनता है और फिर जी से ए बनता है याद रखो बेटा <coughs> यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा थायोखेनिज लगा हुआ है थायोखनिज लगा हुआ है यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और एनर्जी का प्रोडक्शन वाया जी हो रहा है ए का फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी वाया जी टी पी यद रखो बेटा सक्स ए का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन जीटीपी से हो करके आगे बढ़ रहे बेटा जो सक्सीनेट है जो सक्सीनेट बना हुआ है इट हैविंग फोर कार्बन क्लियर चार कार्बन इसके पास यह फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है कैसे तो एक प्रोसेस है डिहाइड्रोजनेशन फिर रखो बेटा इस प्रोसेस में यहाँ पे डिहाइज्रोनेशन का प्रोसेस हो रहा है और डीहाइड्रोनेशन का प्रोसेस जब भी होगा रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उसे कोई ना कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर ग्रहण करेगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर ग्रहण कर रहा है वो एफ है एनएडी नहीं है एफ है याद रखो बेटा एफ जब इस हाइड्रोजन को ग्रहण करता है एक्सेप्ट करता है तो अगला मॉलिक्यूल जो है वो सक्सीनेट से फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन होता है फ्यूमेरेट के पास भी चार कार्बन ही होता है याद रखो बेटा आगे अब इसके बाद एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन यानी फ्यूमेरेट एस टू ओ एस टू ओ ग्रहण करके एस टू ग्रहण करके मैलेट में परिवर्तित होता है बेटा मैलेट बदलता है और इसमें इस क्रिया को जो असिस्ट करता है जो हेल्प कर रहा है वो फ्यूमेरेज नाम का एंजाइम है फ्यूमेरेज नाम का एंजाइम बेटा आगे हम बढ़ रहे हैं और लास्ट और फाइनल स्ट्रक्चर है फाइनल रिएक्शन है मैलेट जो अब तक का मिला मैलेट है चार कार्बन वाला ठीक है ये ऑक्जेलो एसेटेट में कन्वर्ट होता है दोनों के दोनों चार कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन यह जो प्रोसेस है यह डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू होता है ये जो प्रोसेस है प्रक्रिया है वो एक तरह का डिहाइड्रोजिनेशन है जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है मैलेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर भी निकलने वाला जो हाइड्रोजन है वो एनआरडी द्वारा यानी हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होगा वो एनआरडी होगा उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है जो एन ए का फॉर्मेशन करता है एंड फाइनली जहाँ से हमारा क्रेब साइकिल स्टार्ट हुआ था चार कार्बन का फिर वही मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है और इस क्रिया के दौरान प्राप्त क्या क्या होता है हम फिर वापस रिवाइज कर रहे हैं इस क्रिया के दौरान अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एनएडी मिल गया ठीक तो तो है इसके अलावा सी मिल गया दो सी बाहर निकल रहे हैं दो सी मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं इसके साथ ही साथ तीन एन के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं बेटा तीन एन मिल रहा है कहाँ कहाँ से तीन एन आ रहा है तो एक इस जगह से आया ठीक है दूसरा हमें यहाँ से मिल रहा है एन और तीसरा हमें यहाँ से मिल रहा है एज वेल एज एक ए टी मिल रहा है याद रखो बेटा एक ए का फॉर्मेशन हो रहा है और एक एफ मिल रहा है यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी मिल रहा है उसको हम ध्यान से देखें तो तीन थ्री एनएडी एक एफ एडी और क्या मिल रहा बेटा एक ए मिल रहा है और इसके साथ ही इसके साथ ही और दो मॉलिक्यूल सीओ टू के बाहर निकल जा रहा है बेटा क्योंकि दो कार्बन ही हमें दो कार्बन ही हमें मिला था किसके फॉर्म में तो हमें मिला था स्टिल को एंजाइम ए के फॉर्म में और ये पूरा का पूरा सीओटो निकल के बाहर चला जाता है यानी जो भी ग्लूकोज के थ्रू कार्बन आ रहा है वो कार्बन साइकिल तक पहुँचते पहुँचते फाइनली समाप्त हो जा रहा है इसका अभी तो हमने फ्लोचार्ट के थ्रू बताया था बेटा इसका थ्योरेटिकल यानी इसकी थियोरी हम जल्दी ही डाल देंगे इसका आप वेट कीजिए